अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फन विद लाइफ और मैं हूं आपकी होस्ट मोइना शाह। आईटी अपडेट्स में अगेन वेलकम। स्टार्ट करते हैं अपनी हेडलाइन से। सबसे पहले हम आपस के पीआईटीबी ने लॉन्च किया है एक और प्रोग्राम और वो है केपी सिविक इनोवेशन फेलोशिप प्रोग्राम। तो इसके ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ हमारे पास है यूफोन की एक और सर्विस से रिलेटेड जो कि यूफोन की तरफ से लॉन्च की जा रही है, कॉलर चेक सर्विस। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये सर्विस किस लिए है। और इसके साथ है हमारे पास हुआवे एंड एटीएनटी की जो डील कैंसिल हुई है, वैसे इसके ऊपर बात करेंगे ये डील क्यों कैंसिल की गई है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ हम आपस सैमसंग गैलेक्सी S9 को ऑफिशियली लॉन्च किया जा रहा है MWC 2018 में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्योर सबसे पहले जो हमारे पास न्यूज़ है वो है KPITB से रिलेटेड और KPITB की तरफ से एक और प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, केपी सिविक इनोवेशन फेलोशिप प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को 2014 में, 15 में, 17 में भी करवाया गया था और अब 2018 में भी इसको लॉन्च किया जा रहा है। और इसके साथ कोर फॉर पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक के साथ कोलेबोरेशन में KPITB की तरफ से यह प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। और इस प्रोग्राम में एक पूरी एक टीम होगी जो कि टैलेंटेड टीम रिसर्चर की होगी, इसके साथ होगी डिज़ाइनर्स की, डेवलपर्स की, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि ऐप्स को बिल्ड किया जा सके, डेवलप किया जा सके। और इसके साथ जिस और ये जो ऐप होंगी ये रिलेटेड होंगी हेल्थ केयर, क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिटीजन मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक, एजुकेशन एक्सेट्रा। और इन चीज़ों के बारे में इन तमाम ऐप्स को डेवलप किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा। और इसके साथ ये बताते चलो कि ये प्रोग्राम 6 मंथ्स का होगा और 1 पीरियड ऑफ टाइम इसकी जो चार्जेस होंगे वो 30,000 होंगे। वैसे इसके की फीचर्स, इसकी तमाम डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, तो अगर आप विजिट करें तो वहाँ पर आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट अपडेट हमारे पास यूफोन से रिलेटेड और यूफोन की एक और सर्विस लॉन्च होने वाली है जो कि है कॉलर चेक सर्विस। और नाम से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये सर्विस किस तरह काम करेगी। लाइक हमारे पास ट्रू कॉलर ऐप है जैसे कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हैं और उसके ज़रिए आपको अननोन कॉल्स होती हैं, उनके बारे में आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है, ताकि जो नंबर आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है ईजिली आपको पता चल सके कि आपको कौन कॉल कर रहा है। अगर आपको इस सर्विस को सब्सक्राइब करवाना है तो आपने डायल करना है *406# और इसके साथ आपको एक फ्लैश नोटिफिकेशन भी रिसीव किया जाएगा, जैसे कि अगर आपको कोई इनकमिंग कॉल आती है, अगर अननोन नंबर से आती है तो आपको एक फ्लैश जो है वो नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि ये कौन आपको कॉल कर रहा है, कहाँ से कॉल कर रहा है। तो ये सर्विस भी बिल्कुल वैसी ही होगी, तो एक अच्छी सर्विस है क्योंकि यूफोन जो ऑपरेटर है उनकी तरफ से इस तरह की सर्विसेज लॉन्च की जा रही हैं, तो अच्छी बात है। वैसे ये पोस्ट पेड एंड प्रीपेड दोनों कस्टमर्स के लिए है। अगर आपको इस न्यूज़ से की डिटेल्स चाहिए कि किस तरह सब्सक्राइब करवाना है तो हमारी वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट अपडेट हमारे पास हुआवे एटीएनटी के दरमियान जो डील होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है। या बताते चलूँ आपको कि हुआवे की न्यू फ्लैगशिप डिवाइस जो कि हुआवे मेट 10 प्रो है, उसको सेल के लिए US मार्केट में पेश किया जाना था, लेकिन एटीएनटी के साथ कोलेबोरेशन के साथ, जैसे कि पाकिस्तान में भी जब भी कोई नई फ्लैगशिप डिवाइस आती है तो अक्सर लोग बैंक के थ्रू उसको इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं, तो इसी तरह वो डिफरेंट ऑपरेटर के साथ, डिफरेंट बैंक के साथ कोलेबोरेशन के साथ जो है वो आप लोग डिफरेंट इंस्टॉलमेंट पर जो भी आपको ईजी लगे आप उससे ये परचेस करते हैं। तो इसी तरह वेस्ट में ये ट्रेंड तो बहुत पहले से है, पाकिस्तान में भी रिसेंटली स्टार्ट किया गया, वैसे 2015 से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लेकिन वेस्ट में ये ट्रेंड बहुत पहले से है। और इसी तरह की फ्लैगशिप डिवाइसेज हैं जो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उसके साथ सिम भी दी जाती हैं, डिफरेंट पैकेजेस दिए जाते हैं, तब कस्टमर्स वो फ़ोन परचेज करते हैं और यूज़ करते हैं। वेल न्यूज़ ये है कि जो डील हुई थी हुआवे और एटीएनटी के दरमियान वो कैंसिल हो गई है और एटीएनटी और चाइनीज़ गवर्नमेंट के दरमियान कुछ इस तरह का कुछ आर्गूमेंट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से ये इस डील को कैंसिल किया गया है। वेल अब देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में इनके क्या प्लान्स होंगे। और हुआवे कंपनी का कहना ये है कि वो अपनी इन प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे, लेकिन ऑनलाइन सेल करेंगे, लाइक अमेजोन और इस तरह के डिफरेंट रिटेलर्स के थ्रू वो अपनी इस फ्लैगशिप डिवाइस को सेल करेंगे, लेकिन डायरेक्ट मार्केट में, US मार्केट में इसको सेल के लिए नहीं पेश किया जा सकता। तो देखते हैं फ्यूचर में जो है AT&T एंड हुआवे कंपनी के दरमियान फर्दर क्या डिस्कशन होती है। प्योर समा पर जो लास्ट न्यूज़ है वो है सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड S9 प्लस से रिलेटेड, जिसको MWC 2018 में शोकेस किया जाने वाला है। ये दोनों वेरियंट्स में लॉन्च किया जाएगा, S9 एंड S9 प्लस, और इसमें दो ऑप्शन होंगे, जैसे कि मैंने हमेशा रैम एंड रोम की बात की है, इसमें S9 में भी दो ऑप्शन दिए जाएंगे और इसके साथ S9 प्लस में भी दो ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इसकी स्पैक्स की डिटेल्स जाननी है और इसके कुछ फीचर्स देखने हैं और कैमरे से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए, हमारी वेबसाइट पर ये तमाम ब्लॉग्स मौजूद हैं, क्योंकि इससे ये पहली बार नहीं है कि आपसे ये न्यूज़ डिस्कस कर रही हूँ, इससे पहले भी मैं ये न्यूज़ कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन डिस्प्ले के बारे में बताती चलूँ कि S9 का जो डिस्प्ले है वो 5.8 इंच है एंड S9 प्लस का जो डिस्प्ले है वो 6.2 है, तो साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है एंड ऑफ कोर्स कैमरा में भी है, क्योंकि एक में डुअल है और एक में सिंगल है। तो डिटेल्स के लिए स्टे इन टच।
व्यूअर्स, मजीद डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें आप फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और इसी तरह फॉरवर्ड लाइव देखते रहिए। कल फिर आऊँगी IT अपडेट्स लेकर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।